ऐ फूल मेरे फूल से जाकर कहना कि तेरे फूल ने तुझे एक फूल भेजा है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तुम मेरे खत में लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। थैंक यू सर। चलिए तो पवनदीप से पूछते हैं कि आपकी टीम से अब कौन आएगा। मेरी टीम से अब आएंगी हमारी प्यारी क्यूट साइशा। आहिस्ता बोलो सनम, सुन लेगा सारा।
पढ़ा है। बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। जवानी लिखी है तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। उमंगें लिखी है जवानी लिखी है तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा। ये चेहरा हकीकत में एक आईना है। बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। पढ़ा से पढ़ा है। बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। सबसे पहले शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा हैरान है, शिल्पा मैम। 7 साल की है आप? हाँ जी। ए भगवान, माय गॉड, क्या कॉन्फिडेंस है। पता है ये मेरी जिंदगी का, मेरे करियर का सबसे पहला गाना है। ओह। और आवाज किसकी थी? अलका जी। तो आफ्टर 29 years मैं हम लोग एक्चुअली एक साथ एक मंच पे बैठ के इस गाने को सुन रहे हैं पहली बार। दैट्स राइट। It's a very strange feeling. It's so weird. Yeah. तो जब मेरी शुरुआत हुई, मैंने कोई ट्रेनिंग ली नहीं थी, मैं सिर्फ 17 साल की थी and I was really very very new to the industry. तो मुझे सिखाने वाला कोई था नहीं, lip sync भी कैसे करते हैं वो भी नहीं पता था मुझे। और गाना lip sync करना बहुत easy है लेकिन कुछ emotions को lip sync करना बहुत मुश्किल। तो गाने में अलका जी ने जिस तरीके से ओए 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 गाया है उसके कुछ 17 रिटेक हुए क्योंकि हो ही नहीं रहा था मुझसे। गाना वाना सब हो गया बट दैट ओए 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 वाला इमोशन और जिस तरीके से उन्होंने किया वो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा। लेकिन वो ओए 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 जो किया आपने उससे वो जो सारी अदायगी, वो मस्ती, वो शर्माना, वो सारी चीज़ों को, मतलब उसका जो भेलपूरी बना के आपने जो पेश किया जो मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है वो अलका जी का है। बहुत सारा श्रेय उनको जाता है। मैंने जब पूछा कि कौन है जिसके लिए मैं गा रही हूँ, नई लड़की है, नई लड़की है, इतना ही मुझे बोला। तो ये नई लड़की बैठी, देखो आ जा। जिस तरीके से इस बच्ची ने गाया है, ओ माय गॉड, कम्प्लीटली जस्टिफाई किया, क्या इमोशंस के साथ, जिस मस्ती के साथ गाया है उसने। और मैंने सुना है साइशा आप मिस यूनिवर्स बनना चाहती हैं। हाँ जी। पता है आप मिस यूनिवर्स बन सकती है लेकिन कोई भी मिस यूनिवर्स जो है वो आपके जैसे गा नहीं सकती। दुनिया चलिए अब वक्त है एक और सुपर वुमेन से मिलने का। चलिए उनको बुला लेते हैं, आइए प्लीज।
अरे भारती, अभी सुपर वुमन की बात की थी और सर यहाँ पे इन्होंने जो कर दिखाया है, 35 साल इन्होंने मर्द बन के निभाया अपने बच्चे के लिए। एक माँ किस हद तक जा सकती है। लेकिन शिल्पा मैम, अभी ये बहुत खुश है कि इन्होंने जो सोच के किया था, आज इनकी बेटी की शादी हो गई है और ये एक नानी भी है, इनकी प्यारी सी एक पोती है। ओह नाइस। तो अब आप वापस क्यों नहीं चले जाती अपने पहले पहले वाले भेस में? பொண்ணா திருப்பி போனதை எப்படாவது அசிச்சிருக்கேன். அந்த நினைப்பே கிடையாது. அந்த அந்த ஒரு வார்த்தை கேட்டதுனால அந்த நினைப்பே கிடையாது. இந்த இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறது, அந்த சேலை கொடுத்தணும், பூ வைக்கணும், அப்படித்தான் இருக்கணும், இப்படித்தான் இருக்கணும், அந்த நினைப்பே கிடையாது. கபி பி நீ சோச்சிட்டாங்க மேம். ஏ கேனா சாத்தி கி அப் லேடிஸ் கப்டே பெஹனே சிங்கார் கர்னா யே சப் அப் யே முஜே இன்ட்ரெஸ்ட் நீ ரா இஸ் பை வோ சூட் சுகா இத்தனே சாலோ மே அப் மே மத்லப் ஆகே கி ஜிந்தகி பி முத்து பன்கே ஹி குஜாருங்கி. अगर मुझे बोलना हो तमिल में, निंग रोम्ब सुपरा इरुक, हाँ पुरिंजुदा? முத்துராஜி அசுரா அவளை பார்த்து இங்கே வந்தேன், ஃபோன் போட்டாங்க, வீடியோ காலில் பேசினாங்க, அதனால் தூத்துக்குடியிலேருந்து இங்கே வந்திருக்கேன். क्या कहा सर इन्होंने? वो रुद्राज और अर्षिता मिलने के लिए आया है, उसको सारे वीडियो वो फोन में देखा। अच्छा, उसको वीडियो किया ऐसा बोलते हैं। चलिए आज आपको लाइव इनका गाना सुनाते हैं। प्लीज वेलकम हर्षिता भट्टाचार्य और इनका साथ देने आ रहे हैं नॉटी बच्चा ऋतुराज।
outstanding. Now what, darling? आज इन्होंने फिनाले का भी फिनाले कर दिया है. Oh my God, historic. और बेटा वो अंतरे में वो लाइन तो मैं दोबारा अब भी सुनने वाला हूँ. तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे गीत. तूने ही सजाए. Oh, I love you, baby. I love you. शिल्पा मैम. ओके. उनकी बोलती बंद हो गई है. माय गॉड, ये 11 साल के हैं. ये नहीं हुआ है, होने वाले हैं. होने वाले हैं. बच्चों की हरकतों से पता चलता है कि कितने बदमाश हैं, और इनके सुरों के हरकतों से पता चलता है कि कितने बड़े कलाकार हैं. आप सब ने हमारी दुनिया हिला दी. दोस्तों, अब हमारे बीच आने वाली है एक सुपर वुमन, वो जिन्होंने जिंदगी में कई मुसीबतों का सामना किया पर हार नहीं मानी, क्योंकि इनकी मुसीबतें बनी थी विद पित्तल, और ये है सोने से बनी छवि मित्तल. So much. Thank बहुत you, बहुत स्वागत है आपका सुपरस्टार सिंगर में. हमारी छवि जी जिंदगी की एक लड़ाई अकेले लड़ी है और इतनी हिम्मत से लड़ी है और जीती है. रिपोर्ट आने से पहले तक तो काफी डर था, लेकिन जब पता चला कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, सरप्राइजिंगली ऑल दैट फियर जस्ट वेंट अवे. से कैसे लड़ना है और इसका क्या इलाज है, क्या क्योर है, मेरा दिमाग इमीडिएटली उन चीजों की तरफ चलना शुरू हो गया. रेडिएशन में क्या होता है, रिकवरी पीरियड में क्या होता है, तो अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है. रेडिएशन इज गोइंग ऑन एंड आई ट्राई टू फील एज नॉर्मल एज आई कैन इन माई एवरीडे लाइफ. सबसे ज्यादा बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे लाइफ में इज माई हस्बैंड मोहित. सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आई थिंक मेरे कैंसर का उस पर हुआ, बिकॉज 50% responsibilities जो मैं शेयर करती हूँ वो सारी उसके कंधों पर आ गई. To take care of me and the kids and the work while I was recovering from the surgery, वो सारा का सारा काम जो था वो मोहित के शोल्डर्स पे आ गया. I think without him, nothing was possible. I have two kids, one is 9, one is 3. 3 साल के बच्चे को तो अभी भी ये लगता है कि मम्मी भाग रही थी और गिर गई और चोट लग गई. So, बाकी सब कैंसर पेशेंट से मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि आपको जो करना है वो ये है कि आपको खुश रहना है, बिकॉज फेस तो आपको दुखी रहकर भी करना पड़ेगा और खुश रहकर भी करना पड़ेगा. ये एटीट्यूड तुम्हारा जो है बिल्कुल सही है कि जो भोगना है वो तो भोगना है, तो या तो रो के करो या हंस के करो. तो ये एटीट्यूड आपका बहुत बिल्कुल सही है. थैंक यू सो मच. वेरी इंस्पायरिंग. दैट्स ऑल. थैंक यू मैम. छवि, आपको सिर्फ सुपर वुमन कहना वुडंट बी फेयर. आई थिंक मेरे लिए तो आप सुपर से भी बहुत ऊपर वुमन हो. तो दानिश, आपके टीम से अब कौन आएगा? हर्ष भैया, मेरी टीम से आ रहा है वो जिसको पाकर मैं हो गया हूँ धन्य. ओके. चैतन्य, और उनके साथ मैं खुद आ रहा हूँ. ओहो, चलिए देखते हैं आपसे मिलने कौन आया है. आज से आनंद मेरी मैं तुमको नाचने लगी है.
दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, उससे बढ़कर नशाखोरी, तो उनको सुधारने के लिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया। हालांकि सुरक्षा का दायित्व तो पुरुषों का होता है, लेकिन हम लोगों ने महिलाओं को ही चुना। बड़ी प्यारी लग रही थी आपकी, मतलब सारी औरतों की आर्मी। बड़ी खुशी होती है जब औरतें कुछ हटके चूल्हा चौका छोड़ के, इन्होंने छोड़ा नहीं, उसके साथ साथ इस आर्मी में हिस्सा लिया और पूरे गांव की रक्षा किया आपने। कब सोचा मैम कि आपको ये करना चाहिए? 2006 में हम लोगों ने अपनी समिति बनाई, सहयोगी जन कल्याण समिति। पहले तो मैंने 2006 में 100 बहनों से शुरुआत की थी और आज स्थिति यह है कि हर जिले में 10,000-12,000 ऐसी महिला कमांडो वॉलंटियर ही तैयार हैं। किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका पंजारे, किस्मत जो आवे सामने तू मोड़ दे उसका पंजारे। समुंदर पीरे चल जात सुरों में कर देंगे ऐलान। हिम्मत है तो रोगो और जरूरत है तो बातो, रे आज हथेली पे रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह ने दे धरती बीच में तेरा जुनून। सीने में तेरे आग पानी आंधी है, मेहनत की डोरी घोंसलों से बांधी है। भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जा, रे तेरी मर्जी है। आंसू और पसीना अरे कह तो दोनों पानी, पर मोड़ के रख दे दोनों भी तूफान। चोट हो जितनी गहरी या ठेस जिगर में ठहरी, तो जज्बा उतना जहरी है ये मां। वो दिल में है तेरे तू उसकी नजरों में, समंदर पीरे चल साथ सुरों में कर दे ये ऐलान। हिम्मत है तो रोको और जरूरत है तो बातो, रे आज हथेली पे रख दी है जान। खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। रे सुनता
Oh my God! चलो very good, बहुत अच्छे, चलो भागो, pack up, 11 बज गए, चलो बेटा चाटा खाओगे, चल बेटा मुक्का खाएगा, चलो बेटा, चलो भाई आप भी डांट खाओगे, चल बेटा तू, चल बेटा। इस गाने में एक सुर नहीं चाहिए था, चाहिए था, लेकिन सबसे पहले जुनून चाहिए था। अरे बाप रे बाप, अरे अदरक कूट दिया ही मैं सर ने, क्या बात है। बहुत बढ़िया। अब आ रही है वो जो तोड़ रही है अंडर कॉन्फिडेंस का हर दायरा, महाजन समायरा। और इनके साथ आ रहा है वो जो कौवे की काव काव पर भी माइकल का मून वॉक करके पाता है आनंद परमानंद, प्रत्युष आनंद। अपने बच्चे लग रहे हैं। हर्ष भैया और भारती दी, हाँ जी, मैं एक्चुअली ना आज आप सबसे कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे गुड न्यूज़, यू। जब से प्रत्युष को समझा है कि शिल्पा मैम हमारे शो पे आ रही है, तब से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत जोरदार तैयारियों में लगा हुआ है।
बच्चों की परफॉर्मेंस एक साइड पे थी और पापाओं की परफॉर्मेंस एक साइड। पापा क्या नाचे हैं। सारे पापाओं की इच्छा है कि उनके सारा बच्चों की सारे पापियों के साथ थोड़ा सा निकम्मा गिरी करें। उनके बच्चों की बुआ के साथ वो नाचे। आपको बहन मानते हैं मैम, हर्ष तू भी। कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, पूरा के निंदिया कहा तू चली। खत्म हो गया, गाना खत्म हो गया, फिर भी ऐसे करी जा रहे। प्लीज वेलकम अभिमन्यु और शैली। अरुणिता नेक्स्ट कौन आने वाला है? भैया मेरी टीम से अभी मेरी बहुत प्यारी बहन शांतनी कांजीलाल और उसके साथ मैं। आइए आइए देखते हैं कि शांतनी से मिलने कौन आया है। देखो शांतनी, आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे आई हूँ। खास करके ये जो फ्रिंजेस तुमने आगे रखे हुए हैं ना, अब मेरी पुरानी पिक्चर्स देखोगे तो मेरे को फ्रिंजेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बचपन से मैं बहुत टाइम से रखते आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आई कैन कनेक्ट विद हर। और इनकी आवाज़ जितनी ही सुरीली है ये उतनी ही क्यूट है, उतनी ही चुलबुली है। और अरुणिता आपके साथ देख के इनको और भी अच्छा लग रहा है, इंडियन आइडल से आपको देख रहे हैं। ये जोड़ी आगे धमाल मचाने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चुपके से कहीं धीमे पांव से
जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए हमसे राह में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना, कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा। अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा मेरी सांसें कहती है अलविदा। खबर क्यों आंखें फेर कर, आज तू चली जा ढूंढेगी नजर हमको ही मगर हर जगह। ऐसी रातों में लेके करवटे क्यों मगर कह दिया अलविदा अलविदा। कोई पूछे तो जरा क्या सोचा और कहा अलविदा। अलविदा अलविदा अब कहना और क्या जब तूने कह दिया अलविदा। रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल पल। ये है प्यार के पल, चल के सामने तो हम सब हाथ जोड़ते हैं, पर ममता के आगे स्वयं ईश्वर ने हाथ जोड़े। तो चलिए जजिस फटाफट बता दीजिए कि कौन है टीम ऑफ द वीक। तो द टीम ऑफ द वीक दिस टाइम जो है वो है दानिश। Wow!
और अब बारी आती है सुपर मेडल्स अनाउंस करने की, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बूस्टर राउंड है जिसमें एक ही मेडल में तीन मेडल्स मिलेंगे, और वो जिनको मिलेंगे उनके नाम मैं अनाउंस करना चाहता हूँ। पहला नाम है ऋतु राज। और अगला नाम है चैतन्य। आखिरी नाम है हम सबकी प्यारी दुलारी साईशा। तो बूस्टर राउंड के बाद और इतने सारे एपिसोड के बाद जो पांच बच्चे सबसे ज्यादा मेडल्स जीतकर सेफ हुए हैं, पहला नाम है प्रांजल, दूसरा नाम है आर्यनंदा, तीसरा नाम है ऋतुराज, चौथा नाम है साईशा, पांचवा नाम है चैतन्य। यानी कि आप पांचों टोटली सेफ है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।